हेलो दोस्तों, देखिए कुछ नया चीज जो है बताया था मैंने, पार्ट टू है। पार्ट वन में जो है बहुत सारी चीजों को बताया है दोस्तों, तो हम सोचते हैं पार्ट पार्ट करके जो है हर टेंस की जो है डिटेल में जानकारी दूं, ताकि कुछ छूटे नहीं। अगर कुछ आपको जो है लगता है तो फिर जो है कमेंट कीजिए। तो चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पार्ट टू में जो है हम समझते हैं। पार्ट टू में ये समझेंगे दोस्तों कि ये जो है कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम देखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्त, यहाँ पर जो है कंटिन्यूअस टेंस के इसमें देखेंगे कुछ ऐसे वर्ब होते हैं कि जिनका साधारण जो है हम इन टेंस में जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो है नहीं किया जाता, यूज नहीं करते हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम और सीखेंगे कि वो कौन सा जो है चीजें हैं कि जो इन वर्गों को जो है हम जो है यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वर्ब आप परसेप्शन जो दिया है, यानी कि ऐसा परसेप्शन, यानी जो ऐसा अनुभव जो कि यह अनुभूति हो, यह असंभव हो ताकि हम जाने। जानने का मतलब ये है सुनना, देखना और स्मेल करना, ये जो देख रहे हैं नोटिस, फील, टेस्ट, और जो है ये ऐसे ही कुछ और भी वर्बों के बारे में बताऊंगा। तो इन शब्दों को जो है वर्ब, ऐसा वर्ब है जिसको हम अनुभूति, ऐसा लगे कि हम जो है इनका प्रयोग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं लेकिन दूसरे टेंस में करते हैं, वो कौन सा टेंस है जिसका हम प्रयोग करना सीखेंगे। देखिए अपीयर, लुक, सीम, ये जो है ऐसा भाव है जिनका हम प्रयोग जो है कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं, यानी ये जो है प्रदर्शन है, ऐसे जो अनुभूति है तो ऐसे ही वर्ड है। यहाँ पर देखेंगे इमोशन, भाव, स्टेट ऑफ माइंड, स्थिति, दिमाग की स्थिति, सोच, सचावट, कल्पना, तो ये जब चीजें जो है वांट है और जो है विश है, डिजायर है, फील है, लाइक है, डिसलाइक है, लव है, हेट है, होप है, डाउट है, बिलीव है, डिसबिलीव है, थिंक है, सपोज है, एग्री है। यहाँ पर देखते चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर रिमेम्बर है और जो है फॉरगेट है, नो है, अंडरस्टैंड है, तो ये जो है मीन है, ये जो वर्ड है माइंड है। तो और इन्हीं वर्डों को जो है बहुत सारा जो है रिवाइज करेंगे दोस्तों, तो इसमें जो है अन्य प्रकार के जो है चीजों को जो है भी सीखेंगे, जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, प्लीज है, डिसप्लीज है, रिकॉर्ड है, रिकॉल है, रिकलेक्ट है, प्रीसपोज है, इमेजिन है, थिंक है, सपोज है, और भी बहुत सारे जो है बहुत सारे वर्ड है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे। और भी जो है मैं बताऊंगा, वर्डों का जो है भरमार है, इन वर्डों को हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, और भी कुछ सीखेंगे। नोट्स जो है यहाँ पर बनाए हुए हैं, तो बिलोंग्स टू हैव है, और जो है ऑन है, क्या है उसे से अधिकार रखना, कंटेन मैंने रखना, वजन वगैरह जो है कंसिस्ट ऑफ ए कई में है। तो इन शब्दों का अर्थ भी जानेंगे दोस्तों। आउन मैंने होता निजी, अपनाना, अधिकार के लिए है, प्रोसेस मतलब अधिकार करना, अधिकार रखना, और जो है कंसिस्ट ऑफ जो है रहना, होना, मिलना, ये सब होता है। विदांत के मन संबंध रखना होता है, परसेप्शन जो है अनुभूति, ये जो है पहले ही बता दिए हैं। तो चलिए जो है एक बार जो है यहाँ से जो है किस किस के लिए जो है परसेप्शन मैंने होता है अनुभूति, अपीयरिंग प्रकट, ये जो इमोशन भाव, ये दिमाग की स्थिति, कल्पना, सचावट, तो इन सारे चीजों के जो ये तीन तरह की चीजें जो देख रहे हैं, उन चीजों की भावनाएं, अनुभूति, कल्पना, सचावट, स्थिति, दिमाग की स्थिति, सचावट की स्थिति को जो है जानकारी लेना है। तो इस प्रकार दोस्तों हम जो है सीखेंगे बहुत सारी चीजों को जो है कि कैसे जो है होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इन वर्डों का यूज कैसे होता है कि हम नहीं करते हैं, कहाँ करते हैं, तो वो टेंस है हमारा, ये है प्रेजेंट। कौन सा प्रेजेंट? प्रेजेंट
इनडिफिनिट है दोस्तों, तो वो जो है प्रेजेंट इनडिफिनिट है, तो प्रेजेंट इनडिफिनिट जो है वर्ड है वो इनडिफिनिट, ठीक है। तो आगे देखेंगे दोस्त, यहाँ पर जो है तो यहाँ पर जैसे कह रहा है ही इज नोइंग मी वेल, वह मुझे अच्छी तरह से जान रही है, तो इसका क्या लग रहा है, जान रही है, ऐसे कह सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में जो है वह जो है मुझे अच्छी तरह से जानती है, यहाँ पर ही है तो जानता है हो जाएगा, इसलिए जो प्रेजेंट में शो कर रहा है, डिफिनिट में शो कर रहा है, ना कि लगातार जो है कंटिन्यूअस में शो नहीं कर रहा, वह मुझे अच्छी तरह, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, तो जान रहे हैं नहीं होगा, यू नो मी वेल, ठीक है। इसलिए इन चीजों का, इन वर्बों का जो है भावना के अनुसार जो है, और भी चीजें बताऊंगा कि इनका प्रयोग जो है सीइंग, लिविंग, बिलीविंग, नोइंग, ये सब जो है वर्ड भी जो है कहीं ऐसे भी लगता है दोस्त, जहाँ पर जो है हम कंटिन्यूअस में भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हम जो है प्रेजेंट में ही भावनाओं को दिखाएंगे, अनुभूति को दिखाएंगे, अपनाएंगे, ठीक है। आई एम अंडरस्टैंडिंग इट, मैं इसे अच्छी तरह समझ रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट में ही शो कर रहा है, करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आई एम फीलिंग दैट यू आर करेक्ट, मैं समझ रहा हूँ, मैं मजबूती कर रहा हूँ कि आप जो है सही है, यानी कि मैं मजबूत अभी भी कर रहा हूँ प्रेजेंट में, आई फील, मैं महसूस करता हूँ कि आप करेक्ट है। आई एम बिलीविंग इट, मैं इसे विश्वास कर रही हूँ, विश्वास करता हूँ। इसी तरह का जो है ही इज ऑनिंग ए कार, वह जो एक कार जो है अपना रहा है और जो है ले रहा है, ठीक है। तो कार जो है क्या कर रहा है, लेता है, यानी प्रेजेंट में शो कर रहा है। ही इज हैविंग ए ब्यूटीफुल वाइफ, उसे एक जो है बहुत सुंदर पत्नी है, यानी कि उसके पास एक सुंदर पत्नी है, ठीक है, हो रहा है मतलब पत्नी है। सी इज हैविंग, इसी तरह हो जाए, हैज लग जाएगा, इसी तरह इसमें कुछ यहाँ जलने की वर्निंग, जलने की जो है कुछ सूंघ रहा हूँ, सुगंध आ रही है, यानी सूंघ रहा हूँ यानी प्रेजेंट में मैं कुछ जो है जलना सूंघता हूँ या सूंघ जो है सूंघ ले रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है ऐसे ही भावनाओं को जो समझेंगे, और भी चीजें जो है अपीयरिंग यानी प्रकट कर रहा हूँ, कौन जो है यहीं पर है, क्यों, तो व्हाई जो है हो जाएगा, व्हाई के बाद जो है दोस्त यहाँ पर जो है व्हाई के बाद जो है हमारा लगा है, व्हाई इज जो है सी अपीयरिंग सो सैड, वह क्यों जो है इतना जो है दुखी महसूस कर रही है, यानी कर रही है अभी करती है ना, तो व्हाई डज सी अपीयर सो सैड, वह इतना महसूस दुख का क्यों करती है। तो आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर यह किताब जो है मुझसे संबंध रखता है, रख रहा है नहीं, रखता है, प्रेजेंट में शो कर रहा है। इसी तरह बर्तन जो है दूध जो है बर्तन में दूध अट रहा है, यानी बर्तन में दूध अटता है। और भी चीज सीखेंगे दोस्तों, जो कि हम यहाँ पर दिखलाएंगे दोस्त, यहाँ पर बहुत सारे जो है जानकारियां है, अभी देखते रहिए लगातार जो है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है फार एंड एक्शन गिविंग ऑन, यह कार्य व्यापार जो कि क्या हो गोइंग ऑन, जारी रहे, जब वो टाइम क्या हो रहा है, बोलने का हो रहा है, यानी कि काम करने वाला जो है प्रकट कर अभी भी जो है जारी है, उस समय जो है लगाया जाता है, जैसे कार्य व्यापार यानी कोई काम जो है जारी हो, चल रहा हो, अभी जो है बोल रहा है। जैसे मान लीजिए सी इज प्लेइंग, ठीक है दोस्तों, सी इज प्लेइंग इन द रूम इन द फील्ड, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है वह क्या कर रहा है, खेल रही है, क्या कर रही है, खेल रही है, खेल रहा नहीं, खेल रही है। तो यहाँ पर देखेंगे कि काम क्या है, जारी है, एकदम रुक नहीं रहा है। सी इज या ही इज सिंगिंग, तो वह क्या कर रही है, कर रहा है, गीत गा रहा है,
तो ये भी काम जारी है। आई एम रीडिंग ए न्यूज पेपर नाउ, मैं जो है एक पत्र समाचार पत्र अभी पढ़ रहा हूँ। तो मैं जो अभी तुम लोगों को जो है अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आपको सिखा रहा हूँ, आई एम लर्निंग यू। इसी तरह जो है बहुत सारे, माई ब्रदर इज स्लीपिंग, तो माई ब्रदर इज स्लीपिंग, मेरा भाई जो है सो रहा है, यानी काम जारी है। तो इसी तरह के बहुत सारे वर्ड, आप जो है वाच, यू आर वाचिंग मोबाइल, यू आर वाचिंग लैपटॉप, तो इस तरह जो है कंटिन्यू चलता रहेगा। अब आते हैं दोस्त यहाँ पर नॉट नेसेसरी, यहाँ पर मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलने के वक्त जो है इसका प्रयोग जो है बोलने के वक्त नहीं होता है, ये जो है जरूरत नहीं है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं आजकल गणित अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आजकल अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग मैथमेट इंग्लिश, आजकल मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। आजकल का जो है जो इस तरह जो है यहाँ पर जो है दीज डेज, इन दिनों, आजकल का क्या हो जाएगा दीज डेज, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है मोमेंट ऑफ स्पीकिंग को जो है बोलने को वक्त नहीं हो रहा है जो है, लेकिन आजकल जो है हो रहा है, बट अबाउट दिस टाइम, ठीक है। तो इसी तरह मैं जो है और भी जो है ही ले लेते हैं, ही इज, मान लीजिए ही इज रीडिंग या टेलिंग, चलिए ही इज रीडिंग जो है राजा नाटक है, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र के बारे में अगर कोई एक नाटक है तो वह पढ़ रही है, राजा हरिश्चंद्र नाटक। तो ये जो है अभी तो इस समय जो है काम जो है, मैंने कहने का मतलब वो कुछ दिन जो है पढ़ी है, लेकिन जो है बोलने के वक्त नहीं, यानी वो राजा हरिश्चंद्र एक दो दिन में खत्म थोड़े हो जाएगा। तो राजा हरिश्चंद्र जैसे उसको रुक रुक के जो है कई दिन पढ़ रही, यानी कि वह जो है जैसे मान लीजिए हाई स्कूल का कोर्स है, इंटर का कोर्स है, कंपटीशन का टाइटल है, मैथ इंग्लिश जीके जो भी, तो जैसे 10 दिनों तक पढ़ते कहेंगे ना कभी मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मैं जीके पढ़ रहा हूँ, रीजनिंग पढ़ रहा हूँ, उसी तरह जो है अभी पढ़ रहा है, पूरा नहीं हुआ है, केवल ये बोलने के वक्त ही नहीं आज उसको जो है चल रहा है, ठीक है, इन दिनों चल रहा है, समय के आसपास यानी बोलने के वक्त इसी क्षण जो है कह रहा है, लेकिन अभी वो काम चल रहा है। तो इस तरह दोस्तों इस तरह का भी जो है कंटिन्यूस में जो है होता है। यहाँ पर देखिए प्री प्लानिंग प्रोग्राम हो चाहे डिसीजन हो, तो इस तरह की चीजें भी इसमें आता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा जो है कोई भी पूर्व निश्चित हो, जैसे द पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर इज रिटर्निंग टुमारो, तो कल जो है चलिए बना दे रहा हूँ द पीएम इज रिटर्निंग टुमारो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे प्रधानमंत्री जो है कल लौट रहे हैं, तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है, यानी कि इन सब चीजों को जो है बताए थे कि प्रेजेंट में भी बताए थे कि फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी जो है फ्यूचर में रहेगा, लेकिन प्रेजेंट बनाते हैं, तो इस चीज को भी जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बनाते हैं, ऐसा कोई नहीं है, प्रेजेंट में भी कंटिन्यूअस में भी बनाते हैं, प्री प्लानिंग हो पूर्व निश्चित हो, तो ये जो है प्रोग्राम हो तो इन सब को जो फिक्स रहता है, तो इस तरह जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बनाते हैं। जैसे मान लीजिए जो है प्रधानमंत्री ये ले लेते हैं सीएम जो है, सीएम जो है क्या कर रहे हैं लैंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो सीएम इज लैंडिंग एट ओ क्लाक
यानी कितने ओ क्लाक, 8 o'clock, 9 o'clock, ये जो है तब हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्री प्लानिंग है, पूर्व निश्चित है। तो इन चीजों को भी जो है हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनाते हैं। आई एम लिविंग फॉर द लाइन नेक्स्ट वीक, और इसी तरह के जो है वर्ड होंगे दोस्तों, या वर्ड सेंटेंस होंगे। चलिए लाइकलीहुड क्या होता है, लाइकलीहुड क्या होता है, संभावना क्या होता है, पक्के इरादे क्या होते हैं, कार्य करने के इरादे क्या होते हैं, तो ये सब इंटेंशन होता है। और जो है लाइकलीहुड होता है, इंटेंशन जो है दोस्तों होता है, इंटेंशन माने होता है इरादे। ये जो है लाइकलीहुड जो दिया है, संभावनाएं हैं, इरादे हैं, तो इन सब चीजों को जो है कंटिन्यूअस में भी बनाया जाता है। मान लीजिए आई एम गोइंग टू डाई, ये जो है इरादे हो गए, आई एम गोइंग टू डाई, तो ये हमारा जो है मैं मरने जा रहा हूँ, तो ये इरादे हो गए, ठीक है। और भी दोस्तों जानेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से ऐसी चीज, मैं कल जो है कार खरीदने जा रहा हूँ, या मैं कार खरीदने जा रहा हूँ, हम जो है मैच खेलने जा रहे हैं, तो ये जो है इरादे हैं, संभावनाएं हैं। तो ये जो है, चलिए वी आर प्लेइंग क्रिकेट मैच, तो ये भी इसी में आ जाए, क्रिकेट मैच जो है खेलने जा रहा हूँ, या खेलने जा रहा हूँ, खेल नहीं, यहाँ पर प्लेइंग टू, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, तो ये जो है क्या है, यहाँ पर देखेंगे आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट मैच, या हॉकी बॉल, कुछ भी जो है हो सकता है। चलिए तो मैच हो, या क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो, तो या टेबल टेनिस हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो आई एम गोइंग टू बाय ए कार, तो इस प्रकार दोस्तों जो है बहुत सारे जो है वर्ड बन सकता है, जो कि इरादे हो, संभावनाएं हो, फ्यूचर टाइम का भावनाएं हो, व्यक्त कर रहा हो। इस प्रकार दोस्तों हमने कंटिन्यूअस के चीजों को जो है सीखा, समझा। तो चलिए जो है, हाँ दोस्तों, और जानेंगे दोस्तों कि हमारा चैनल जो सेंस एजुकेशनल चैनल है, सेंस एजुकेशनल चैनल, तो उन चैनल में जो है विचार बना रहे हैं दोस्तों, सेंस एजुकेशनल एजुकेशनल ये जो चैनल है, इस पर जो है अब सोच रहा हूँ मैथ जो है, केवल मैथ का जो है इस पर जो है डालूंगा, तो उन चैनल पर भी सेंस एजुकेशनल चैनल पर जो है देखिएगा, मैथ के जो है शुरू से जो है स्टार्टिंग जो है होगा, शुरू से जो है मैथ बताने का प्रयास करूंगा दोस्त। तो ये सेंस एजुकेशनल जो चैनल है यूट्यूब चैनल, तो इन पर जो है मैथ बना रहा हूँ, और जो ये वाला चैनल देख रहे हैं दोस्तों, तो इस पर जो है इंग्लिश का ज़्यादातर रहेगा दोस्त। तो बने रहिए वीडियो में दोस्तों, आप सभी को शुभकामनाएं, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी, एंड योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स एज यू लाइक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।